दोस्तों, सैमसंग ने पिछले महीने में दो टैबलेट लॉन्च किए थे और वो अब तक के सबसे पावरफुल टैबलेट है, जिनका नाम है टैब S7 और टैब S7 प्लस। बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाले ये टैबलेट आपको मिल जाते हैं, लेकिन हाइप इस चीज़ की है, इसमें प्री इंस्टॉल एक एप्लीकेशन मिल जाता था जो कि एंड्रॉयड के लिए इसके पहले अवेलेबल नहीं था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लिप स्टूडियो पेंट एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन सबसे पहले सैमसंग ने लॉन्च किया है और उनके टैब सीरीज़ में लॉन्च किया है। तो जब ये टैबलेट्स लॉन्च हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं इसको यूज़ करूँ। तो देखेंगे फ्यूचर में अगर वो परचेस में कर पाऊँ तो ज़रूर इसे यूज़ करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये टैबलेट परचेस करने से पहले उस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। तो जब मैंने उस एप्लीकेशन को सर्च करने की कोशिश की तो ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल नहीं था और ना ही गैलेक्सी स्टोर में अवेलेबल था। और ऐसे ही मैंने परसों के दिन ढूंढने की कोशिश की गैलेक्सी स्टोर में, तो ये मुझे मिल गया। जी हाँ, रिसेंटली ही मैंने सैमसंग का M31S ये हैंडसेट परचेस किया है और इसमें मैंने चेकआउट किया तो ये एप्लीकेशन वहाँ पर मुझे मिला, तुरंत मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी एप्लीकेशन का रिव्यू देने वाला हूँ, क्या खास है इस एप्लीकेशन में, क्या क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं और क्या ये आपके सभी काम कर सकता है ड्राइंग से रिलेटेड। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवा, आप देख रहे हैं डिजिटल एडिट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको प्ले स्टोर पर भी होना चाहिए। जी नहीं, ये प्ले स्टोर पर अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गैलेक्सी स्टोर पे अवेलेबल है, जो सिर्फ आपको सैमसंग के डिवाइस में मिल जाते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का M सीरीज़, S सीरीज़, A सीरीज़ या फिर नोट सीरीज़, इनमें से कोई भी हैंडसेट है, तो आप जाइए गैलेक्सी स्टोर में और इसे इंस्टॉल कीजिए, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। 319 MB की साइज़ है जो मैंने डाउनलोड की थी, थोड़ा सा वक्त लग सकता है डाउनलोडिंग में, इंस्टॉल कीजिए। तो जैसे ही आपने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन हर दिन 1 घंटे तक फ्री में यूज़ करने को मिल सकता है, अगर आपने साइनअप नहीं किया तो। और जैसे ही आपने साइनअप कर दिया तो 6 महीनों तक आपको ये एप्लीकेशन फ्री में यूज़ करने को मिल सकता है, सिर्फ गैलेक्सी हैंडसेट के ऊपर। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो 6 महीनों के बाद कर सकते हैं, तब तक के लिए आप इसका एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर आपको इसके ऊपर काम करना पसंद आ गया तो ही आप इसको परचेस करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मैं भी इस एप्लीकेशन को सीख रहा हूँ, 2-3 दिन पहले मैंने इसे डाउनलोड किया, फिलहाल इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ उसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स है और कैसे यूज़ करना है। अगर आपके पास गैलेक्सी हैंडसेट है तो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कीजिए और इसके ऊपर वर्क करना चालू कर दिए। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप इंटरेस्ट रखते हैं इसमें, तो ज़रूर इसे ट्राई कर लीजिए। जो भी फीचर्स है पता चले, जैसे ही पता चले मुझे ज़रूर बता दीजिए, मैं भी जितना हो सकता है उतना सीखने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हो सके तो आपके लिए इसके ज़रिए एक कैलीग्राफी कोचिंग क्लासेस की अलग सीरीज़ बना के आपके लिए लेके आ जाऊँ। तो 2-3 दिनों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, ये कड़ी टक्कर है एप्पल के आईपॉड में जो प्रो क्रिएट नाम का एप्लीकेशन आता है, एकदम एडवांस लेवल का है, उसके साथ ये ज़रूर टक्कर ले सकता है। इस टाइप का ये एप्लीकेशन है, स्पेशली मुझे इसका लेयर पैनल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, सेम दिखता है जैसे कि फोटोशॉप में आपको लेयर पैनल दिखाई देता है। काफ़ी हद तक ये कंप्यूटर लेवल का एप्लीकेशन है। अगर आपके पास एंड्रॉयड का टैबलेट है तो ज़रूर इसे इंस्टॉल कीजिए, ज़रूर मैं रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास टैबलेट है कोई भी, ए सीरीज़ का या फिर ओल्ड वाला एस सीरीज़ का टैबलेट है, तो ज़रूर इसे इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि टैबलेट का जो वर्जन है, टैबलेट में जो इसका इंटरफेस लुक है, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा है। जो फीचर्स इसके मोबाइल वर्जन में है वो आपको डायरेक्टली जो टैबलेट वर्जन है उसमें इनेबल हुए दिखाई देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है टैबलेट पे ये वर्क करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टैबलेट एक परचेस कर लो, उसके बाद ही इस एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादातर डिटेल मुझे मालूम हो सकती है। तब तक के लिए आप भी इसे यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या फीचर्स आपके काम के हैं और क्या ये आपका कंप्लीट वर्क कर सकता है।
तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे इसके ऊपर और ज़्यादा वीडियोस आएंगे फ्यूचर में, जैसे इसके बारे में मुझे पता चलता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।